प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है, जिन्हें राजधानी भोपाल में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं शाजापुर जिले के शुजालपुर पहुंचने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री आदिवासी कलाकारों के साथ जमकर थिरकते भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब देश के एक साथ 5 ट्रेनों की सौगात मिली हो। जो 5 नई ट्रेनें शुरू हुई हैं, उनमें 2 ट्रेनें मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी, जबकि 1 दक्षिण भारत में, 1 बिहार में और आखिरी ट्रेन मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। तो वही वंदे भारत ट्रेन के शुजालपुर पहुंचने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन का शुजालपुर में स्टॉपेज का प्रयास किया जाएगा, ताकि यहां के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल सके। विषय मध्य प्रदेश को 2 ट्रेनें मिल रही है इंदौर और भोपाल को, लेकिन शुजालपुर में लोगों की मांग है कि स्टॉपेज भी हो। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया है और अपने देश की परंपराओं से रेलवे का नामकरण करना, ट्रेनों का नामकरण करना, जिससे लोग अपने परंपरा को समझे और जाने। आज का दिन पूरे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन 5 ट्रेनें एक साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए संचालित हो रही है। मध्य प्रदेश में भी 2 ट्रेन, 5 में से 2 ट्रेन मध्य प्रदेश को मिली है और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री जी को सबको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किया है और भोपाल को इंदौर से और भोपाल को जबलपुर से जोड़ करके आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। सड़कों पर जो दबाव है, उस दबाव को भी कम करने का काम ये ट्रेनें करेगी। आने वाले समय में इस प्रकार के संकेत है कि आज जो है स्वागत है और यह ट्रेन रुक रही है, इसका मतलब आने वाले समय में स्टॉपेज की ओर भी ये ट्रेन बढ़ेगी, ताकि शुजालपुर के भी व्यापारियों के अंदर सारे लोगों को भोपाल जाने में सुविधा हो सके और इंदौर जाने में भी सुविधा हो सके और महाकाल की नगरी तक सुविधा से पहुंचने में भी हमारे को इसका लाभ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में स्टॉपेज होगा। यह बहुत ही अच्छा हुआ है और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जो पूरी भारतीय रूप से बनी हुई ट्रेन है, इसमें सफर करने का एक आनंद अलग है। इसमें जो जो सिस्टम भी है बहुत ही बढ़िया है और हम तो इस बार यहाँ से हम शुजालपुर से उज्जैन तक इसकी यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शुजालपुर से ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।